गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनी मैम। टूडे आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th। आवर फर्स्ट चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मीन टू से द पालमपुर इज अ इमेजिनरी विलेज। पालमपुर क्या है? एक काल्पनिक गांव का नाम है। एंड आवर स्टोरी बेस्ड ऑन द पालमपुर। ओके, लेट बी स्टार्ट। द पर्पज ऑफ द स्टोरी टू द इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शंस एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड द पालमपुर। जो हमारी विलेज है, जो हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं पालमपुर के बारे में, वो क्या है, इसमें कुछ जो गांव की बेसिक चीज़ें होती हैं, जो नीड्स होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और जो लेकिन जो विलेज है वास्तविक विलेज ना हो कि ये हम एक क्या एक विलेज किस तरह से इम्प्रूव करता है, वहाँ के पर्सन किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम बताएँगे। लेकिन क्या एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल मीन्स काल्पनिक विलेज पालमपुर के थ्रू आपको इस चैप्टर को समझाया जा रहा है। ठीक, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। जो यहाँ जो मतलब खेती किसान, वो क्या है वहाँ की मेन फार्मिंग, वो क्या है मेन एक्टिविटी है, मेन क्रियाकलाप है पालमपुर का। वेयर एज द सेवरल अदर्स एक्टिविटीज सच एज द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कुछ और आपको क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों का बनाना और जो है वो ट्रांसपोर्ट, ये सब भी वहाँ पर इसका भी अदर एक्टिविटीज भी होती हैं। देयर आर दीज कैरीड आउट अ लिमिटेड स्केल, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स, मेन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। एज वी रीड द थ्रू द स्टोरी पालमपुर, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू द प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स एंड द सर्विस इन द विलेज। हम लोग जब भी कोई गाँव है वहाँ पर क्या होता है, इनमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो फार्मिंग हुआ या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसमें क्या होता है बेटा कि आपका नेचुरल और मैनमेड दोनों रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को कंप्लीट करने में, किसी चीज़ को बनाने। मान लो हम कोई वस्तु ही बना रहे हैं तो उसमें क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आपके प्रकृति से आएगा, नेचर से मिलेगा। इसके अलावा कुछ और मैनमेड मतलब जब ह्यूमन उसको एक्टिवेट करेगा, जो उसको कुछ क्रियाकलाप करेगा, तब जाके वो वस्तु बनेगी। ठीक, तो इसमें मतलब ये आपको ये बताया, इसी पालमपुर के जरिए आपको क्या है इस स्टोरी को समझाया जाएगा। पालमपुर इज द वेल कंसर्न विद द नेबरिंग विलेज एंड द टाउन्स। जो आपका पालमपुर है वो गांव कैसा है, यहाँ पे वो जो है पास वाले गांव के पास रानीगंज है, वहाँ पे है रानीगंज है बिग विलेज। रानीगंज क्या है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा गांव है। इज द 3 किलोमीटर ऑफ द फ्राम द पालमपुर, ये पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड आल वेदर वेल्डर रोड कनेक्टेड द विलेज टू द रानीगंज एंड फर्दर टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। एक मतलब कई रोड इससे पालमपुर से कनेक्टेड हैं और ये जो है शाहपुर एक स्मॉल टाउन है, वहाँ तक जाती है। मेनी काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द दिस रोड स्टार्टिंग फ्राम द बुल लॉक्स अकार्ट टांगा एंड द वुडन कार्स ड्रान बाय द बफेलोस लोडेड विद द जॉजरी एंड अदर कमोडिटीज टू द मोटर्स व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। मतलब वहाँ पे क्या साधन जाने के लिए आपका बुलेट कार्ट है, टांगा हुआ, इक्का हुआ, और इस चीज़ पे जो चीज़ें गांव में उत्पादित होती है जैसे गुड़ हुआ और अनाज हुआ, मतलब उस पर लोड करके कहाँ ले जाया जाता है, रानीगंज शाहपुर ले जाया जाता है जीप। इसके अलावा भी और कई व्हीकल्स हैं जो क्या हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स हुआ, जीप हुआ, ट्रैक्टर्स हुआ, ये भी वहाँ पे ये इन सब की मतलब ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा वहाँ पे पूरी तरह से है। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। यहाँ पे कितने 450 डिफरेंट काइंड्स की फैमिली रहती हैं, डिफरेंट कास्ट की फैमिली रहती है। द 80
अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। जो 80 जो है अपर कास्ट की फैमिलीज हैं वो 440 में से 450 है ना, 50 में से 80 फैमिली क्या है वो अपर कास्ट की है, जो क्या है बिल्कुल रिचेस्ट है। क्या है? रिचेस्ट भी है, ठीक। तो ये बिलोंग करती है जिसमें, और इनका इनकी क्या उस गांव में इनकी ज़्यादा ज़मीनें हैं। एंड दियर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर द मेड ऑफ द ब्रिक्स एंड द सीमेंट प्लास्टरिंग। और इनके जो घर बहुत ही वेल मेंटेन, मतलब ईट और पत्थरों से बने हुए, प्लास्टर किए हुए, ठीक। ये हैं 80% गाँव पर्सन की। एंड द SCS, मतलब जो आपकी दलित वहाँ के हैं, SC पर हैं, वो क्या हैं, कंपेराइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड द लिव इन द 1 corner ऑफ द विलेज एंड इन द मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर द मड एंड द स्ट्रा। और जो बाकी जो 80% पर्सन तो बहुत अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन जो बाकी बचते हैं, जो SC होते हैं पर्सन हैं, जो दलित जिनको आप कह सकते हैं, वो क्या है, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, वो गांव की छोटा सा कॉर्नर उनको दे दिया गया है। गांव में मान लीजिए आपका विलेज है, एक छोटा सा कॉर्नर इनको दे दिया गया है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, ठीक। और उनका जो घर है कैसे है, घास भूसे मिट्टी का बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। इसमें से काफ़ी घरें हैं जो है क्या उनके पास बिजली की सुविधा है। एंड इलेक्ट्रिक पावर्स आर द ट्यूबल्स इन द फील्ड्स एंड द इज यूज इन द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। और जो इलेक्ट्रिक की वजह से जो वहाँ पे ट्यूबल्स चलाए जाते हैं, जो एक छोटा सा ये भी क्या है वहाँ का व्यवसाय है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। वहाँ पे 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। देयर इज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पे लोगों की उपचार किया जाता है, वो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। एंड ए प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमार लोगों का उपचार किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन एबव शो दैट द पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड एंड सिस्टम ऑफ द रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। मतलब पालमपुर एक छोटा गाँव होने की वजह से वहाँ पे क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल, एक हॉस्पिटल छोटा सा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। इस वजह से क्या है, वो वेल मेंटेन गांव कहा जा सकता है। आप भी इसमें क्या करिए, अपने गांव का लीजिए और उसमें आप कंपेयर करिए कि पालमपुर गांव में और आपके गांव में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएँ हैं, ये आपको खुद करना होगा, ठीक है। कंपेयरिंग करना ये आपका खुद करना है। द स्टोरी ऑफ द पालमपुर एज द इमेजिनरी विलेज। हमने आपको पहले बताया था ये पालमपुर गाँव क्या है, एक इमेजिनरी मतलब काल्पनिक गांव है, ठीक है। इसी पे आपको ये इसी के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एक गांव की क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये सब चीजें इस पालमपुर के जरिए ही, गांव के जरिए, जो काल्पनिक गांव है इसी के जरिए समझाया जाएगा, ठीक है। विल टेक अस द थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। इस गांव में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। इन द विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। आपको पता है भारत में जो है क्या है, कृषि एक मुख्य व्यवसाय के रूप में माना जाता है। द अदर इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर टू एज सून फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा, फार्मिंग के अलावा कुछ और भी चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कुछ उत्पाद बनाने वाले कोई चीज़ बनाए, ट्रांसपोर्ट हुआ, छोटी मोटी दुकान हुए, ये सब भी इसमें इस गाँव में आपको देखने को मिलेगा। सभी किसान कृषि करेंगे तो फिर कौन दुकान खोलेगा, जैसे बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं वो कौन बेचेगा, और कई चीज़ें ऐसी जो बनाई जाती हैं वो कौन करेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये सारे काम हो रहे हैं। वी शैल टेक अ लुक एट द बोथ दीज टाइप ऑफ द एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन। और इस प्रकार इन सब चीज़ों को देखने के बाद कुछ इसके अलावा भी कुछ बेसिक चीज़ें भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शंस, जो इसका जो उत्पादन होता है उसका कैसे किस प्रकार से ऑर्गेनाइज, किस प्रकार से संगठित किया जाता है। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज द प्रोड्यूस द गुड्स एंड द सर्विस डैट वी वांट। देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे इन सब चीज़, मतलब कोई भी सर्विस आपको करना है, मतलब कुछ भी आपको एक्टिविटीज करना है, कोई भी काम करने जाते हैं, तो आपको चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो चार चीज़ें क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द लैंड, पहला आपका क्या है? लैंड है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। लैंड से ही आपको क्या मिलेगा? पानी और जो है वो आपको मिनरल्स और आपको ये जंगलों से चीज़ें, से तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। सेकेंड आपका लेबर, सेकेंड आपका क्या है? लेबर है। उसमें क्या होगा आपका? पीपुल हु विल डू वर्क, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, अदर एक्टिविटीज रिक्वायर द वर्कर्स हु कैन डू नेचुरल वर्क्स, ईच वर्कर्स इज द प्रोवाइडिंग द लेबर्स नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। मीन्स लेबर अगर नहीं, अगर आप कोई कंपनी फैक्ट्री खोलते हो तो आप अकेले खुद उसमें काम नहीं करोगे, वहाँ क्या हमें किसी पर्सन की, अगर कोई वहाँ पे एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड दोनों पर्सन की रिक्वायर पड़ती है। क्योंकि अगर कोई मशीन बनाना हुआ तो आपको क्या एक वेल एजुकेटेड पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से एक लेबर का भी सेकेंड रिक्वायरमेंट आपका लेबर रहता है, जो आपकी उस संस्था को, जो आप कंपनी खोल रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं, उसको चलाने के लिए चाहिए होता है। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल, जो तीसरा आपका है वो क्या कहलाता है? फिजिकल कैपिटल। वो क्या है? द वेराइटी ऑफ द इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। मतलब भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है पूंजी की, जिसमें व्हाट द आर द आइटम ऑफ द सम अंडर द फिजिकल कैपिटल। इसमें जैसे आपका टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, टूल्स एंड द मशीन्स रेंज फ्रॉम द एवरी सिंपल टूल्स सच एज द फार्मर्स फ्लो टू द सॉफ्टिकेटेड मशीन्स सच एज द जनरेटर्स, ट्यूबवेल, टर्बाइंस एंड द कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड द कार द फिक्स्ड कैपिटल। और ये जो टूल आप, जैसे आपको ये फिक्स्ड कैपिटल में आपको जो टूल्स, जो जरूर जो मशीनों की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है, वो एक बार आप खरीद लेते हो तो आपके पास वो कुछ दिनों तक फिक्स रहता है, कुछ दिनों तक वो सेव रहता है, आपको जब जरूरत पड़ती है वो टूल्स को निकाल के आप उसका यूज करते हो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इस मशीन को, इन जो यूज होता है उसको क्या कहा जाता है? फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा आपको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें रॉ मटेरियल्स एंड द मनी इन द हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड टू द वीवर्स। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ों का, जैसे मशीन तो आपके पास है लेकिन क्या है, धागे, जो वीवर्स उसको क्या करते हैं, बुनेंगे, ठीक है, तो उनकी ज़रूरत पड़ती है ये आप। एंड द क्ले यूज बाई द पॉटर्स, जो मिट्टी जो पॉटर्स यूज करते हैं, जिसका बर्तन बनेगा, कुछ भी, जो खिलौने कुछ भी बनाएं। ऑल्सो सम मनी इज द ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन मेक द पेमेंट्स एंड द बाई अदर नेसेसरी आइटम्स। और इसके अलावा भी क्या होता है, उनको कुछ पैसों की जरूरत है जिससे वो कोई चीज़ खरीद सकें और वो रॉ मटेरियल्स को ले सकें। रॉ मटेरियल्स एंड द मनी इन द हैंड आर कार द वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल्स और जो पैसा है वो क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन। इसके अलावा जो टूल्स और मशीन्स के अलावा और ऐसी कई चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं। देयर इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब इसके अलावा आप तीन रिक्वायरमेंट पढ़ लिए थे, पहला पढ़े थे आप जो है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल, चौथा आपका है ह्यूमन, खुद कौन है? ह्यूमन, चौथा आपका ह्यूमन है। देयर आर द फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड द enterprises to be the able to the put together land, labor and the physical capital and the produce and output either to use yourself to or sell in the market. Means to say, अगर आप फोर्थ रिक्वायरमेंट, जैसे मशीन भी है, लेबर भी है, सब कुछ है आपके पास, आप वो सम जो वस्तु बनाना चाहते हो वो बन भी गया, लेकिन फोर्थ पर्सन आपको, फोर्थ आपकी जो नेसेसरी थिंग्स है वो क्या है? ह्यूमन है, जो आपको आपके सामानों को ले जाएगा, मार्केट बेचेगा,
देगा और वहाँ की ह्यूमन वो उसको क्या कर देंगे, करेंगे खरीदेंगे। दिस इज दी डेट इज कार द ह्यूमन कैपिटल, और यही क्या कहलाता है, ह्यूमन मतलब मानव पूंजी कहलाती है। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो ह्यूमन चैप्टर के है आपका सेकंड चैप्टर में इसका डिटेल दिया गया, वो सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। इन द पिक्चर्स आइडेंटिफाई द लैंड लेबर्स एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन, जो आपको पिक्चर्स दिया है अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 2 पे, देखिए उसमें जो है किस तरह से एक फैक्ट्री है जिसमें आपको सारी चीज़ों को दिखाया गया है कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, मशीनें हैं, ठीक है, वो बुन रहा है, धागे, कचरा, मटेरियल, सारी चीजें जो कैपिटल जितना बताया गया है, ये चारों की यूज आपको देखने को मिल रहा है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल, कोई भी प्रोडक्शन अगर तैयार किया जाता है इन चारों की हेल्प के बिना कोई भी चीज वस्तु आप तैयार नहीं कर सकते अगर आपके पास फैक्ट्री है। विच आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, इसीलिए इनको इन चारों चीजों को क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन कहते हैं। As we read through the history of the Palampur, we will learn more about the first three factors of the production. हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ तीन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, लैंड के बारे में, लेबर के बारे में और फिजिकल कैपिटल के बारे में। ये जो ह्यूमन कैपिटल है इसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। For the convenience, we will refer to the physical capital as the capital in the chapter. Okay? Farming, अब आपका next topic है इसी में farming in the Palampur. तो आपका पहला जो है land इसके बारे में बताने जा रहे हैं। Land is the fixed. तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में जो क्या है, कृषि एक मेन मुख्य व्यवसाय के रूप में लिया जाता है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग एंड आर डिपेंड ऑन द फार्मिंग फॉर द लाइवलीहुड, तो 75% लोग क्या करते हैं, उसी पे डिपेंड है, क्या किस पे, आपके कृषि पे। दे कुड बी फार्म और फ्रॉम लेबर्स, वो खुद फार्मिंग करते हैं या फिर लेबर के रूप में दूसरे के फील्ड में, दूसरे के खेतों में कृषि करते हैं। द वेल बींग ऑफ दीज पीपुल्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्स, और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, वो जो पीपुल जो हैं वो उस फार्मिंग प्रोडक्शन से क्या होते हैं, बहुत ही संबंधित रहते हैं। बट रिमेंबर डैट देयर इज द बेसिक कंस्ट्रेंट इन द रेजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज द प्रैक्टिकली फिक्स्ड, तो जो आपको ये जो लैंड है आपको क्या है, वो आपका क्या है, बेसिक चीज है जिसको क्या होती है, वो निश्चित होती है। सिंस 1960 द पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरियाज अंडर कल्टिवेशंस, 1960 में पालमपुर में जो है क्या था, कोई इतना मतलब कल्टिवेशन इतना वो जो है वो कृषि का नहीं था, वहाँ पर उपयोग इतना नहीं हो रहा था। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू द कल्टिवेट लैंड, अब बाद में 1960 के बाद जो है जो लैंड जो बैरन लैंड थे जो जहाँ पे बंजर भूमि थी उसको भी क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया फार्मिंग करने के लिए। देयर आर द एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू द इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाई द ब्राइटनिंग न्यू लैंड अंडर द कल्टिवेशन, और इस प्रकार से नई मतलब जो जमीनों पर जिन पर कृषि नहीं किया जा रहा था उनको भी ऐड किया गया कृषि के रूप में। द स्टैंडर्ड यूनिट एंड द मैन्युफैक्चरिंग लैंड इज द हेक्टेयर, थ्रो इन द विलेज यू में फाइंड लैंड एरियाज बींग द डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज द बीघा एंड द गुंथा एसेट्रा, वन हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विद द साइड मेजरिंग 100 meters, मतलब वन हेक्टेयर क्या होगा 100 meter के बराबर होगा। एंड कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ वन हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड, और आपको बताया गया किस तरह से आप अब एक आपको प्रैक्टिकल कहा गया है कि अपने स्कूल का फील्ड आप कहीं भी अपने घर का फील्ड अपने घर का उसको आप मेजर करिए नापिए कि किस तरह से उसको निकाला कितने हेक्टेयर का है। आज के लिए बच्चों इतना ही, आज एक टॉपिक मैंने आपका ये बता दिया पालमपुर के एक जो इमेजिनरी विलेज है उसके बारे में बता दिया है, एक चार
चारों कैपिटल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है, लेकिन लैंड पूरा कर दिया है, प्लान को समझा दिया है। तो आप इसको पढ़िएगा और इसको नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। डैट्स ऑल, थैंक यू।